पंजाब की सीमा के साथ लगते गांव में जहां चिट्टे जैसे घातक नशे ने युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रखा है, तो वहीं फतेहाबाद पुलिस लगातार नशे को खत्म करने में प्रयासरत है। फतेहाबाद के जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया लगातार गांव के लोगों के साथ बैठकें करते रहते हैं। रतिया के गाँव रताखेड़ा में 2 महीने पहले हुई महापंचायत में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था, जिसमें गाँव के लोगों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पुलिस कप्तान ने दिए थे और कहा था कि अगर कोई नशा तस्करी करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखा गया और उचित नाम भी दिया गया। लोगों के टीकरी पहरे और पुलिस के सहयोग से अभियान सफल रहा। गांव में खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में जिला पुलिस कप्तान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गांव के लोगों ने कड़ी मेहनत और पुलिस के सहयोग से गांव को नशे को मुक्त किया गया है। साथ ही कहा कि नशा तस्करों की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। देखिए, आज गांव रताखेड़ा में एक स्पोर्ट्स मीट रखे, एक एथलेटिक टूर्नामेंट रखा गया था, जिसमें करीब 300 की संख्या में जो प्लेयर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था, जो गांव ने एक मुहिम छेड़ी थी, आप सभी जानते हैं, ये गांव में कमेटी बनाई और इस गांव में काफ़ी शिकायत थी नशे की लत की। जो युवा हैं वो खासकर नशे की और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा इस गाँव का, एक मिसाल इस गांव ने कायम की है। करीब करीब 95% इन्होंने नशा गांव से ख़त्म कर दिया है और जो 5% बचा है बहुत जल्द वो भी इसको एकदम ख़त्म कर देंगे। और इस गांव से प्रेरणा लेते हुए आसपास के गांव ने भी जो है इच्छा जाहिर करी है कि इसी गांव की तर्ज पे जो है कमिटीज़ बना के और ऐसे ही काम किया जाए, तो जितनी सराहना इस गाँव की जाए उतनी कम है। तो वहीं गांव के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन की जमकर सराहना की और कहा कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से गांव वालों ने जो अपने स्तर पर गांव में ठीकरी पहरा लगाया और युवा पीढ़ी को जागरूक किया, साथ ही गांव में खेलों का आयोजन किया गया, जिससे लगभग 95% गांव नशा मुक्त हो गए। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। टूर्नामेंट का जो आयोजन है जी, 2 महीने पहला चिट्टे को लेकर हमारे गाँव में एक कमेटी बनी थी जी, चिट्टे को रोकने के लिए। तो उसके तहत हमारी एसपी साहब से मीटिंग होती रहती थी बार बार। तो बच्चों का रुझान है जो चिट्टे से हटाकर एक गेमों की ओर ले जाना, ये हमारा प्रयास था और हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा कि बच्चों को इस चिट्टे जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए हमने ये बच्चों को गेमों की ओर जो ले। कोई नशा छोड़ा भी है गाँव में? अभी हमारे गाँव में जो हमारी कमेटी बनी है उसका लगातार प्रयास जारी है और नशा जो हमने जो 95% हद तक इस नशे पे हमारा प्रयास जारी है। जो 5% है कुछ और समय में प्रशासन का हमारे को बहुत सहयोग है, कुछ और समय में इस चिट्टे जैसे घातक बीमारी को हमारे गांव की जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। किस उद्देश्य को लेकर किए गए? देखिए जी, जो मकसद है वो तो हमारा ये नशे को उखाड़ फेंकना, क्योंकि इससे पहले हमारे गांव में पहले महापंचायत भी हुई थी और उसके बाद माननीय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी अधीक्षक वो हमारे गांव में आए थे और उन्होंने हमें एक चेत प्रेरणा दी ताकि हमारा युवा है जो आज नशे की गर्त में जा रहा है उसे नशे की गर्त से निकालने के लिए हमारी यही भावना थी कि हम उनको खेलों की तरफ लेके जाएँ, क्योंकि युवा जितने जर खेलों की तरफ जुड़ेंगे तो अपनी अच्छी एजुकेशन की तरफ भी जाएंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि ताकि हमारे युवा हैं वो नशा छोड़ें, कम से कम गांव में और एक समाज में अपनी एक अच्छी पहल के साथ वो जिए। गौरतलब है, अगर पंजाब के उस पार से हरियाणा में चिट्टे जैसे घातक नशों की बड़े स्तर पर तस्करी होती तो युवा पीढ़ी इन नशों में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे होते, लेकिन फतेहाबाद पुलिस द्वारा उठाया गया ये कदम काफी सराहनीय रहा। रतिया से अशोक गरोवर, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।